We are starting today loops in PHP. Loops in PHP are loops anywhere basically, है ना? Loops. So loops क्या होता है? कि loop का मतलब होता है कि when you have to do something again and again, that is a loop. Loop is basically एक circle, ठीक है? या एक solenoid, एक loop है. कोई चीज बार 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 रिपीट हो रही है, इट इज लूप. तो जब हम लोग डेटाबेस से वैल्यूज को फेच करते हैं या डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तो ये वैल्यूज हो सकता है कई बार हमारे पास किसी सीक्वेंस में आए या हमें किसी सीक्वेंस में इंसर्ट करनी हो, उस सीक्वेंस का कुछ लॉजिक हो, ठीक है? तो उस केस में लूप्स का इस्तेमाल होता है उस सीक्वेंस को पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, लिखने के लिए. तो जो हम लोग बेसिकली लूप्स पढ़ेंगे यहाँ पे, वो आपका होगा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप. इन चार लूप का इस्तेमाल हम लोग सबसे ज्यादा करेंगे, ठीक है? वाइल, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं वाइल लूप क्या होता है और वाइल लूप का क्या यूज है. वाइल जो अपने आप में वर्ड है, इसका मीनिंग यही निकलता है कि जब तक कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है, वाइल कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, तब तक आप ये काम करते रहिए. सो ऐसा मैं बताऊं सर, लूप के तीन बेसिक वो होते हैं, वो मतलब ऐसे बताना चाहिए. एक तो होता है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करना, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन उसकी टर्मिनेशन कंडीशन. ये तीन बस तीन. आप टीचर आप जो है इस तरह से बताते हैं, हम जो बताते हैं. तो हम लोग इसको इस तरह से बोल रहे हैं कि हम एक कंडीशन है वाइल के साथ, एक कंडीशन है, ठीक है, कब तक कि कब तक ये लूप करेगा, ठीक है? तो और कंडीशन को इसके पहले हम यहाँ पे डिफाइन भी इनिशियलाइज करते हैं, विच यू कैन कि ये इनिशियलाइज कर रहे हैं. उसी कंडीशन में कई बार वो टर्मिनेशन भी छुपा होता है कि ये जो है अब टर्मिनेट हो गया, ठीक है? तो हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं, या हम जैसा आप कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया, देन हम लोग ने उसको वो चीज फॉर लूप के बाद और अच्छे से समझाई जा सकती है. सबसे पहले आपने इनिशियलाइज किया, देन आपने जो है, लेकिन ये तीनों कंडीशन होती सभी में होती है, सभी में होती है. इनिशियलाइजेशन हिडन है वाइल में हिडन है, फॉर में वो सामने आती है, आके दिख रहा है, ठीक है? सो अब हम इसको थोड़ा सा उठाते हैं इस तरह से कि मान लीजिए आपने कहा डॉलर एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है? सो आपने x की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, या 10 इंटीजर वैल्यू जो है 10, उसको x में असाइन कर दिया, ये भी कह सकते हैं. हमने यहां पे लिखा व्हाइल x इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है? और आपने देन यहाँ पे कोई वर्क टास्क दे दी, ठीक है? आपने यहाँ पे लिखा इको डॉलर एक्स प्लस टू, एंड फिर आपने डॉलर एक्स प्लस प्लस ये लगा दिया. यानी कि पहले तो उसको इको करा दीजिए, देन जो उसकी वैल्यू है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दीजिए, और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक 20 ना हो जाए,
क्या फिर से आप बताएं मतलब जो जो x की वैल्यू दी है 10 हाँ ठीक है वो 20 के बराबर है या उससे लेस देन है ठीक है तो इको जो कर रहा है 10 वो लूप चलाता रहेगा जब तक तो वो 20 ना हो जाए बराबर ना हो जाए 10 10 11 फिर 12 13 14 15 20 तक फिर वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा जब 20 के बराबर क्योंकि तो बराबर हो जाएगा क्योंकि हम हर बार इंक्रीमेंट कर देंगे ठीक है जब तीन करेंगे तो क्या दो प्लस है टू प्लस है तो वो दो बना देगा प्लस टू कर देगा तो हमने यहाँ पे लोकल होस्ट रन किया एंड इसमें मैं वेबसाइट रन किया इसमें सो 10 11 12 अगर हम इको कराने के साथ इसमें एक ब्रेक भी लगा दे रहे हैं ठीक है तो वो नेक्स्ट लाइन में उन वैल्यूज को दिखाने लगेगा ठीक है इनिशियलाइज हुआ 10 पे क्योंकि हमने x 10 थी क्योंकि हमने इको करा दिया था x ये लाइन उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी 10 प्रिंट हो गया फिर उसने इस x की वैल्यू को एक बढ़ा दिया यहाँ पे 11 हो गई है अब जब ये घूम के वापस से आएगी इस लूप में तो इसकी वैल्यू जो इको होगी वो 11 होगी क्योंकि वो बढ़ चुकी है पर 11 तब आएगी जब वो कंडीशन चेक होगी कि क्या 11 20 से कम है आंसर आएगा यस 11 20 से कम है तो वो इको हो जाएगी फिर 12 वापस आएगी लूप में फिर कंडीशन में जाएगी और आएगा कि क्या 12 20 से कम है यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि हमने जो भी वैल्यू इनिशियलाइज कराई थी वहीं से स्टार्ट वो वहां से पहली बार स्टार्ट हुई थी बट वंस इट केम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लूप तो अब इस लूप के द्वारा दी गई जो लास्ट आउटपुट वैल्यू है वही लूप के अंदर जाएगी चेक होने के लिए हर बार 10 नहीं चेक होगा एक हर बार वो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज जो है वो चेक होती रहेंगी आखिरी में जब 19 आ जाएगी इस तरह करके फिर 20 19 से कम है फिर 20 आई क्या 20 20 से कम या बराबर है तो बराबर है जब 20 के बाद 21 हुआ है आपके ठीक है तो 21 होने पे क्या हुआ कि उसने कहा क्या 21 20 से कम या बराबर है आंसर है 21 20 से ज्यादा है 21 इज मोर देन 20 सो वो अब लूप हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया एंड जो है ये पार्ट खत्म हो गया सो दिस इज आवर व्हाइल लूप वेयर we first assign a condition we first initiate or assign values to some variable then we are putting some condition again ab yahan pe hum other operators to istemal kar hi sakte like and logical operators like and not or hai na ke agar do condition likh di ya wo dekh lenge hum log us type se but abhi ke liye situation hum log ek jaise ye leke chalenge वाइल लूप का इस्तेमाल कई बार जो है एरेस को फेच करने में भी होता है हम लोग माई एसक्यूएलआईट अंडरस्कोर फेच एरे यूज करते हैं आगे जब हम लोग देखेंगे जब एरेस पढ़ेंगे तो वाइल लूप का इस्तेमाल करके हम लोग एरेस के द्वारा फेच की गई वैल्यू एरेस की फेच की गई वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकते हैं ठीक है तो वो भी देखेंगे नाउ व्हाइल लूप के साथ में एक और लूप यूज होता है जिसका नाम है आपका डू व्हाइल लूप ठीक है सो देयर इज डू व्हाइल लूप अब जैसे पहले हम व्हाइल लूप की कंडीशन को दिखाते हैं अगर मान लो यहाँ पे हमने 30 लिखा हुआ है ठीक है तो 30 के केस में क्या होगा कि कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा रीजन हमारी कंडीशन लूप में जाने से पहले ही फॉल्स हो जा रही है क्योंकि तो x जो है वो 20 है उससे कम भी एक्सेप्ट हो रहा है ठीक है तो इस केस में आपका जो है ये
एक्सप्रेस ही नहीं होगा, ठीक है, कुछ हम लोग को पता नहीं लगेगा। तो डू वाइल जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है कि आप जो है प्रिंट कर सके कि सबसे पहले हम डू इको एक्स ऐसा कर दें, ठीक है, मान लीजिए हमने डू कर दिया कि इको कर दिया डॉलर एक्स, ठीक है, देन इसको हो सकता है यहीं पे इंक्रीमेंट कर दें एंड देन हम वो कंडीशन चेक कराएं ऑनलाइन एक बार एटलीस्ट। तो इसको हम ये कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये मतलब अभी ये नहीं आएगा। सो आपका जो है एक बार जो है हम लोग को जो भी पहले हमने कंडीशन दिया था जो भी हमें प्रिंट कराना होता है तो वो हम यहीं पे प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बार प्रिंट करा देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा दिया देन इसके साथ में वाइल लिख दिया। तो कंफ्यूजन हो रहा था वो ये था कि हमने यहाँ पे पहले वाइल के साथ में इगो कराया था, यहाँ पे वाइल सिर्फ एज अ कंडीशन ही इस्तेमाल हो रहा है। और जो अगर यहाँ पे हम अभी भी 12 लिख देते हैं और इसको रन करते हैं तो 12 से 20 तक लूप चलेगा और उसके बाद जो है क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 20 के बाद, तो क्या हुआ 12 इको हुआ, फिर 12 इंक्रीमेंट होके 13 हो गया और चेक हुआ वाइल 13 इज लेस देन 20 तो इको एक्स कर दो, फिर 13 14 15 20 तक गया, जब 20 के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 21, अब ये चेक हुआ, तो ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये कंडीशन कि ये अगली वैल्यू को इसमें भेजेगा डू के अंदर, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि जो है हम लोग वाइल के साथ वाइल डू अकेला का कोई मतलब नहीं है, वो तो आप सीधे इको एक्स लिख दीजिए, इफ और एल्स और डू और वाइल नहीं, डू वाइल इज अ लूप, ठीक है, व्हाइल लूप अकेला स्टैंड कर सकता है, ठीक, कंडीशन बट हम लोग ने जब देखा, हाँ कंडीशन व्हाइल में लगेगी, जब हम लोग ने देखा कि हमने व्हाइल की कंडीशन रखी थी लेस देन इक्वल टू 20 और उस केस में हमने ये देखा कि लेस देन इक्वल टू 20 पे अगर हमने उसकी वैल्यू 30 कर दिया इवन 21 कर दी तो वो कंडीशन जो है एक्सेप्ट नहीं हुई लूप में और कुछ भी नहीं हुआ। डू वाइल का मतलब ये होता है इस कंडीशन में लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ, डू वाइल का मतलब ये होता है कि लूप एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही, ठीक है। तो डू वाइल का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हमको एटलीस्ट ये दिखाना है कि एक वैल्यू तो आई गई या एक वैल्यू दिखानी है, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे वो कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है क्या हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसको यहाँ पे ये रन कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डू व्हाइल लूप, ठीक है। नाउ सपोज कीजिए हम वाई को लिखते हैं वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, हम इसको एक फॉर के अंदर डाल देते हैं फॉर वाई इज इक्वल टू 1 वाई इज लेस देन इक्वल टू 10 डॉलर वाई प्लस प्लस, ठीक है, देन हमने इसको यहाँ पे लिख दिया इको डॉलर वाई, ठीक, हमने यहाँ पे इसको एक HTML के थ्रू लिख दिया, ठीक है, इसको हम अभी 21 कर देते हैं इस केस में,
उससे कोई मतलब नहीं है, बट अगर इसको हम रन कराए तो ये 21 एक बार पीक हुआ, एक बार पीक हुआ डू वाइल का, क्योंकि उसने कहा कि वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 20, वो नहीं था, x was never less than equal to 20 because x was 21. So उसने एक बार print तो कर दिया, फिर देखा increment करते तो ये हो गया, ये चीज है. यहाँ पे do while खत्म होता है, इसको हम comment कर देते हैं, ठीक है? comment हटाना है? वो फिर एक एक करके हटाना है, ठीक है? नहीं नहीं अभी लगा हम ये पूछने वाले भी थे सर. नहीं वो मैं कर रहा हूँ, हाँ अभी क्या कर रहे हैं. पर फॉर लूप क्या होता है? डू वाइल में हमको ये पता नहीं था कि कितने इटरेशंस होंगे, या हमको मालूम नहीं होता है कि क्या होने वाला है, नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होने हैं. फॉर लूप हम लोग तभी लगाते हैं जब हम लोग को मालूम हो ये हम लोगों को कितने इटरेशंस के लिए या कितने टाइम्स उस लूप को रन करना है, ठीक है? डू वाइल में हमने लगा कि चलो एक बार चला दे फिर चेक कर लेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, तो वहां पे एक अनसर्टेनिटी थी, पर उसके अपने अलग यूज है. फॉर लूप का एक अपना अलग यूज है, ठीक है? डू वाइल में ये हो सकता है कि जब तक रिकॉर्ड आ रहा है तब तक दिखाते हैं, ठीक है? While something is true, keep displaying. जब तक रिकॉर्ड आ रहा है या सारे रिकॉर्ड उठा लो, ठीक है? हम ब्रेक भी कर सकते हैं, वो एक चीज है. बट फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप का इस्तेमाल आपका तब होता है जब आपको पता हो, इवन भले ही मैं डेटाबेस से वैल्यूज को फेच कर रहा हूँ या किसी एरे से वैल्यूज को फेच कर रहा हूँ, ठीक है? बट फॉर लूप का इस्तेमाल हमेशा उस जगह पे होगा जब हमें पता होगा कि कितने इटरेशंस जो हैं वो हमें चलाने हैं. तो हमने सबसे पहले जैसा आपने कहा, हमने उसकी एक वैल्यू असाइन कर दी या लूप को इनिशियलाइज कर दिया, देन हमने एक कंडीशन लगा दी, ठीक है? कंडीशन या अपने लूप की एक कंडीशन बना दी कि हमारा लूप किस कंडीशन पे रन करेगा. हमने कहा व्हाइल, यहाँ पे भी ऐसे बोल सकते while y is less than equal to 10 जैसे while था, बट यहाँ पे हमने वो कंडीशन लगा दी कि जब तक y 10 से कम या बराबर हो. तो y शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है, फिर ये सेमीकोलन लगा है, याद रखिए एक फॉर लूप का ये सिंटैक्स होता है, ठीक है? सबसे पहले आप इनिशियलाइज करते हैं, देन कंडीशन लगाते हैं, देन एक टर्मिनेशन या उसके इंक्रीमेंट देते हैं जो देना होता है. फॉर लूप दोनों वे में चलता है, उल्टा सीधा. तो आप जो है 1 लिया इनिशियलाइज और आप 10 तक जाएंगे. अगर आप यहाँ 100 तक गए तो भी आप चले जाइए, कोई इशू नहीं है, ये 100 तक पूरा कोड आपका चला जाएगा, ठीक है? लूप को वो 100 टाइम चला देगा, ठीक आपका क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट 1 का है. हम ये देखते हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, वो चलता ही चलेगा. अभी जो है फिलहाल हम उसको यही पकड़े, ये चलता चला जाएगा. अब यहाँ पे आपको मान लीजिए कोई स्टेटमेंट होता, अब ये एक नंबर है, ठीक है? हमको इतनी बार हेलो प्रिंट करना होता है, ये तो हेलो हम वाई को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, वो चल ही रहा. तो उसने 100 बार जो है हेलो को प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी. इसके आगे अभी क्या है कि हम लोग सिंपल एक बेसिक लूप्स का एक ओवरव्यू ले रहे, ठीक है? हम लोग आगे चल के जो है देखेंगे कि और कैसे किया जा सकता है. अब हम एक कुछ ऊपर कंडीशन लिखते हैं, इसको हम इसमें लिखते हैं. हमने एक फॉर लूप लगाया एंड देन यहाँ पे लिखा
और ये इस तरह से कहते हैं। अब इसमें क्योंकि वो इंडेक्स आना है तो मैंने i कर दिया, तो कार से एक एरे, मान लो इसमें हम एक और जोड़ लेते हैं यहाँ पे मान लो महिंद्रा, ठीक है मान लीजिए सब जोड़ दिया, तो अब वो हमारे इंडेक्स से बाहर ही हो गया, ठीक है 0 1 2, तो हम इसको 3 कर देंगे, ठीक है अब इसको प्रिंट कराते हैं वॉल्वो BMW टोयोटा महिंद्रा, उसने एक एक करके सारी, अगर हम मान लीजिए केवल 2 से 3 वाली कराना चाहते हैं तो टोयोटा महिंद्रा, इंडेक्स जो होता है एरे का, एरे हम लोग आगे भी करेंगे बस ये इंट्रोडक्शन है, तो आप एक वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल के आगे जस्ट लिखना होता है एरे, देन एरे के अंदर जो सीक्वेंस है जो आप सप्लाई करते हैं वो लिस्ट ऑफ वो अपने वैल्यूज होती हैं वो आप उसमें सेव कराना चाहते हैं, जो यूज़र से लेके सेव कराना चाहते हैं। अब इसमें फॉर्म नहीं भाई वो करेगा भाई, अब इसमें फॉर लूप मैंने लगा दिया, ठीक है तो ये मैं यहाँ पे कई बार एरे जो होता है एरे में लिखा होता है कि नेम इज इक्वल टू ये एज एरो लगे, तो उस केस में हम लोग फॉर ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी उठानी, ठीक है